अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लाडकुई पहुंचे, जहां जनसेवा अभियान के तहत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं चौहान ने जन सामान्य की समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। वहीं इस अभियान में अलग अलग विभाग के स्टॉल लगे। वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आजीविका समूह, आवासीय पट्टे, राशन पर्ची, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके उपरांत लाडकुई के हाई सेकेंडरी पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं से चर्चा की और नवीन स्कूल भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान छात्र छात्राओं के बीच बैठकर फोटो खिंचवाई, तो वहीं स्कूल प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया। वहीं इसी दौरान कोटक महिंद्रा कंपनी द्वारा लाडकुई स्कूल को भी दी जाने वाली सहायता को लेकर भी जानकारी दी गई। इसलिए आज प्रत्यक्ष रूप से अपने इस विद्यालय की स्थिति को मैं देखने भी आया। मुझे कहा था कि अच्छा स्कूल है, नया नया बना है बिल्डिंग, लेकिन आप सबके माध्यम से पता चला कि छत टपकने की यहाँ पर अभी भी स्थिति बरकरार। बारिश के मौसम में लास्ट में अगर पानी टपक गिरे तो पढ़ाई का ध्यान नहीं जाता। इसके अलावा मुझे बताइए, पहले तो भाइयों से पूछता हूँ कि शौचालय की व्यवस्था कैसे भाई, ठीक है? हाँ ऐसा पीछे कुंडी ऐसे ऐसे कर रहा है कि भैया जिस हिसाब से व्यवस्थाएं यहाँ टीचर द्वारा की गई है, मैं सचमुच में मैंने कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संतोषजनक स्थिति है। हमारे यहाँ सामने उस तरफ नया भवन निर्माण भी हुआ है। मैंने बच्चों से पूछा, आज हमारे बीच में और बच्चों के बीच में कोई मर्यादा नहीं थी। हमने कहा कि बिना किसी डर के बताइए, जो पीछे जो नई बिल्डिंग बनी है उससे बच्चे बहुत खुश हैं। एक समस्या आई पुरानी बिल्डिंग में, जो 2008 का जिसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें सीपेज की समस्या आ रही है। स्वाभाविक बात है कि 2008 के कंस्ट्रक्शन में समय के साथ साथ, लेकिन इसके लिए भी बताते हुए मुझे लाड़कुई वासियों को खुशी है कि सरकार ने एक राशि स्वीकृत कर दी है 3 लाख रुपए की प्राथमिक सुधार के लिए, और इसके अलावा 15 लाख रुपए का बजट यहाँ पे स्कूल प्रशासन ने बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया है, उसमें भी हम काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, क्यों हो ऐसा कि केवल शासकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, सबके लिए हैं, ऐसा क्यों हो कि केवल सरकारी उसमें काम करें? क्यों ना गैर सरकारी संस्थानों को इसमें लाकर एक जन मुहिम बनाने का हम काम करें। इसलिए कोटक महिंद्रा, एक बड़ी जो कंपनी है, कोटक महिंद्रा ने ये फैसला किया है कि स्कूल के जीवन उद्धार के लिए, जहाँ जो छोटी मोटी कमियाँ रह गई होंगी पुराने विंग में भी, ग्राउंड में भी, शौचालयों में, स्मार्ट क्लासेस बनाने में, उसमें भी कोटक महिंद्रा हमें यहाँ पर राशि देने के लिए तैयार हो चुका है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और लाड़कुई के स्कूल छात्रों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ठीक भाई।